सो गाइस, अभी मैंने इस माइक को कर दिया है कनेक्ट मिक्सर से, और अभी जो मेरी वॉइस आ रही है वो आ रही है मेरे लेपल माइक से। सो अभी मैं इस माइक में एक सॉन्ग गाऊंगा, देन उसी सॉन्ग को मैं डायरेक्ट मिक्सर से कनेक्ट करके कैमरे के थ्रू रिकॉर्डिंग होके आएगी आपके पास। सो वो डायरेक्ट मिक्सर का साउंड आएगा आपके पास। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मेरे पास है बीटा 58 डायनेमिक माइक्रोफोन। सो इसका हम आज अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड साउंड टेस्ट करेंगे। सो इफ़ यू गाइस न्यू इन दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो करते हैं इसको अनबॉक्सिंग, बट उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा है, और ये साइड में है। देन यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल डायनेमिक माइक्रोफोन, उसके बाद प्रो डॉट यहाँ पर है, देन ये सेम ही है। सो ओपन करते हैं। सो इसके अंदर हमें एक बॉक्स मिलता है, एंड पहले हमें मिलता है एक माइक, उसके बाद मिलता है केबल, एक बैग दिया है इसमें, लिखा हुआ है बीटा 58A। सो देखते हैं इसको बाद में। एक क्लिप होल्डर दिया है, ठीक है। उसके बाद एक मैनुअल है कुछ छोटा सा, एंड इसमें एक फोम सा है, अंदर फोम दिया हुआ है सेफ्टी के लिए ना, कभी अगर कहीं लग गया तो सेफ रहेगा। सो क्लिप होल्डर देख लेते हैं हम इसका कैसा है। सो इसका क्वालिटी तो सही लग रहा है मुझे, तो इसको एक बार माइक में माउंट करके देखेंगे कि कैसा लगता है। और ये स्टैंड में आप लगा सकते हो, यहाँ पर इसका दिया हुआ है। सो एक मिनट इसको देखते हैं, एंड बैक का जो क्वालिटी है वो भी सही है, कैरी करने के लिए ठीक है, आप इसको रख सकते हो इसके अंदर माइक को। एंड ये इसका केबल है, एक्सएलआर केबल। सो ये आई थिंक 5 मीटर होगा, ये खोल के देख लेते हैं, आई थिंक ये 5 मीटर होगा। सो क्वालिटी तो सही लग रहा है, आप देख सकते हो। एंड ये इसका जो जाएगा आपका मिक्सर में, अभी देख लेते हैं माइक को। सो माइक को हम ओपन करते हैं, तो ये रहा माइक। सो यहाँ पर माइक्रोफोन बीटा 58A लिखा हुआ है, उसके नीचे ऑनो स्विच दिया हुआ है, और यहाँ पर आप केबल को लगा सकते हो, इधर आप डाल सकते हो इसको केबल को। और ये इसका फ्रंट लुक है। सो मैं एक बार इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर का कैसा है ये। सो कुछ ज़्यादा टाइट है, ध्यान से निकालना पड़ेगा। सो गाइस कुछ ऐसा है ये, सो ठीक है। और इसके अंदर एक आपको फोम मिल जाता है, इसके अंदर फोम है अंदर, तो काफ़ी सही है। और इस माइक का जो प्राइस है वो है 500, जो कि काफ़ी सही है इस बजट रेंज में, क्योंकि आपको इसमें केबल मिल जाता है, देन क्लिप होल्डर मिल जाता है, इसको देखते हैं कैसे लगाना है, एंड उसके बाद एक बैग भी मिल जाता है, पाउच मिल जाता है आपको। सो इस रेंज में काफ़ी अच्छा है। सो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। और एक बार हम इसका होल्डर देख लेते हैं, माइक होल्डर। सो हाँ सही है, मतलब ये ना कोई कोई माइक क्या होता है कि आप लगाओगे तो ये गिर जाता है, बट ये गिर नहीं रहा, तो काफ़ी सही है और टाइट भी है। आप इसको कहीं पर भी माउंट कर सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है, कोई भी स्टैंड पे माउंट करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो अभी देख लेते हैं इस केबल को कैसे कनेक्ट करना है माइक्रोफोन में। सो आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी, इस लाइन को आपको ये वाला जो यहाँ पर एक कट है छोटा सा, इसमें आपको इसके साथ मैच करके लगाना है ऐसे, अगर कैमरा में दिख जाए तो सही है। इसके साथ ऐसा करके लगाना है, देन एक क्लिक करके एक आवाज़ आएगी। सो इसका मतलब आपका ये लग चुका है, एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो।
सो अभी हम इस माइक का साउंड टेस्ट करेंगे. सो अभी जो ये वॉइस आ रही है मेरी, ये मेरा लेपल माइक से आ रही है. ये मेरा माइक है मनाओ AU 400. सो पहले मैं एक बार इस माइक से दिखाऊंगा, उसके बाद मैं मिक्सर से कनेक्ट करके उसका इंटरनल साउंड मेरा कैमरा में जाएगा. देन आपको फिर क्लियर आएगा कि कैसा साउंड क्वालिटी आ रहा है इस माइक का. सो मैं पहले इसे कनेक्ट करता हूँ. सो गाइस, अभी मैंने इस माइक को कर दिया है कनेक्ट मिक्सर से, और अभी जो मेरी वॉइस आ रही है वो आ रही है मेरे लेपल माइक से. सो अभी मैं इस माइक में एक सॉन्ग गाऊंगा, देन उसी सॉन्ग को मैं डायरेक्ट मिक्सर से कनेक्ट करके कैमरा के थ्रू रिकॉर्डिंग होके आएगी आपके पास. सो वो डायरेक्ट मिक्सर का साउंड आएगा आपके पास. सो अभी मैं एक सॉन्ग गाता हूँ. दूरी सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना. सो अभी मैं इसी सॉन्ग को डायरेक्ट मिक्सर से कनेक्ट करता हूँ. सो अभी मैंने इस माइक को कनेक्ट कर दिया है मिक्सर से, और आपको पता चल रहा होगा कि कैसा साउंड आ रहा है, और बैकग्राउंड का नॉइज़ भी थोड़ा कम हो गया होगा. एंड अभी मैं इसमें वही सॉन्ग गाता हूँ, दूरी सॉन्ग, एंड आपको फिर आइडिया होगा कि कैसा साउंड क्वालिटी आ रहा है. दूरी दूरी सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना. सो अभी आपको पता चल गया होगा कि कैसा साउंड क्वालिटी आ रहा है, एंड इसका जो कैचिंग पावर है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मेरा भी मिक्सर से 50% दिया हुआ है साउंड, एंड ये भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है. सो अगर मैं इसको पास में लूँगा तो और ज़्यादा साउंड आएगा. सो चेक, हेलो हेलो, चेक चेक हेलो. सो वहाँ पर शायद फट सकता है साउंड. सो इस माइक का साउंड क्वालिटी मुझे अच्छा लगा इस बजट रेंज में, जहाँ आपको वायर मिल जाता है 5 मीटर, देन एक बैग मिलता है आपको, पाउच मिलता है, और एक होल्डर भी मिल जाता है आपको. सो काफ़ी सही लगा मुझे, एंड साउंड क्वालिटी जो है वो भी सही है. जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने थोड़ा सा दूर रखा हुआ है माइक, एंड साउंड भी जो मिक्सर से है वो अभी 50 में, एंड मुझे सही लगा ये माइक इस प्राइस रेंज में, सही है. सो हमने और एक डायनेमिक माइक का रिव्यू कर रखा है, उसका नेम है JBL CSHM 10. सो उसका लिंक आपको मिल जाएगा आई कार्ड में, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो. और कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, प्लीज़ कमेंट में बताइए एंड लाइक करिए. एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो.